स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एडुकेशन। तो सबसे पहले सबको अ वेरी हैप्पी गुड इवनिंग। तो हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जी सेवियर में चल रहे हैं। हमारा जी सेवियर में जो मैथमेटिक्स 1 का प्लान चल रहा है, उसमें हमने लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट कर दिया, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट कर दिया, और आज हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का आज लास्ट लेक्चर है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम और कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। फिर आता है कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम। कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम आपको देखना है 250 डेज प्लान में। और मैंने आपको कल असाइनमेंट दिया था, आई होप आपने पूरे 250 डेज के जो लेक्चर दिए थे वो पूरे कर दिए होंगे, असाइनमेंट आपने सॉल्व कर दिया होगा। आज का जो ये लेक्चर है उसके रिलेटेड जो असाइनमेंट है वो आपको मैं आज नहीं दूंगा, वो कल अपलोड होगा। आज बनाया नहीं है तो वो कल नून में अपलोड होगा। कल आपका कोई भी लेक्चर नहीं रहेगा क्योंकि आज ये चैप्टर खत्म होने वाला है। इसलिए हम फिर क्या करेंगे, कल एक दिन का गैप रखेंगे, फिर हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। लास्ट चैप्टर जो होगा हमारा कैलकुलस। और इस वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, बहुत सारे पूरे इंडिया में फैला दो इस वीडियो को, जी सेवियर को। ओके, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग सबको। तो सबने असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया होगा आई होप। 250 डेज प्लान में जो मैंने 6 लेक्चर बताए थे वो भी कल कंप्लीट कर दिए होंगे। 250 डेज प्लान का एक ही लेक्चर बाकी है, जो है कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम, जो कि आज के रिलेटेड टॉपिक है। तो कल आपको देखना है और कल नून तक आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर इतनी बात? तो सब चलो आज स्टार्ट करते हैं। और एक बात और बता दूं, कल हमारा सेशन नहीं होगा क्योंकि हमारा रूल चलता है कि जब हमारा चैप्टर खत्म होता है तो हम एक दिन का गैप रखते हैं। गैप इसलिए रखते हैं ताकि आप रिवीजन करें, 250 डेज प्लान में जो बचे लेक्चर हैं वो फॉलो करें और असाइनमेंट को उस दिन अच्छे से सॉल्व करें। और कोई भी डाउट्स हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? ओके, तो चलो अभी यहाँ पे सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है प्रॉब्लम होता है, लेकिन इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलो इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम और कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। उसके बेस पे हम क्या करेंगे, दो तीन एग्जांपल्स करेंगे बेस्ड ऑन कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम एंड कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम पे तो कोई हम प्रॉब्लम नहीं करेंगे, लेकिन देखेंगे वो होता क्या है। फिर कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला हम पढ़ेंगे कि कोई भी इंटीग्रेशन दिया हो अलोंग अ कंटूर, अलोंग अ क्लोज्ड कर्व, उसको कैसे सॉल्व करते हैं यूजिंग कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम, सॉरी कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। और किसी भी इंटीग्रेशन, अगर हम एफ ऑफ जेड का इंटीग्रेशन करते हैं अलोंग द क्लोज्ड कर्व और अलोंग द कंटूर, तो कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम से कैसे सॉल्व करते हैं, वो 250 डेज में आप देखोगे। ओके, तो चलो आज हम फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप बताइए, आपको मैं 30 सेकंड देता हूं, आप भी सॉल्व करते रहिए इस क्वेश्चन के साथ। तो ये एक सिंपली क्वेश्चन है, क्या बोला है, इफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल देन द वैल्यू ऑफ डी जेड अपॉन जेड इंटीग्रेशन ऑफ 1/z From 5 to 3i। तो सिंपली जो हम सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में इंटीग्रेशन करते थे वही रूल्स हमें यहाँ पे लगाने हैं, वही सिंपली हमें रूल्स यहाँ पे फॉलो करने हैं, यहाँ पे कुछ भी हमें नया नहीं करना है। तो आई क्या होगा, आई होगा आपका 5 to 3i dz by z। मुझे बताओ 1/x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो उसका आंसर क्या आता है, नेचुरल लॉग ऑफ x। तो यहां पे सिमिलरली क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ z from 5 to 3i। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, नेचुरल लॉग ऑफ 3i माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 5। और फिर मैंने क्या देखा यहां पे तो इस फॉर्म में आंसर है ही नहीं, यहां रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में आंसर है, तो मैं आगे कैसे प्रोसीड करूंगा। तो मुझे सारे जो फाइनल आंसर आ रहा है इसको एक रियल पार्ट में बनाना पड़ेगा और एक इमेजिनरी पार्ट में मुझे बनाना पड़ेगा। तो क्या लिख सकता हूं, मुझे लॉग की आइडेंटिटी पता है, लॉग ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, यहां पर ए की जगह है 3, बी की जगह है आई, तो इसको क्या लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ आई माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 5। क्लियर इतनी बात, नेचुरल लॉग ऑफ 3 में से क्या सबट्रैक्ट कर दो, नेचुरल लॉग ऑफ 5। अभी इसको कैसे लिख सकते हैं, आई को कैसे लिख सकते हैं,
हम क्या कर सकते हैं, यूलर्स फॉर्मूला और यूलर्स आइडेंटिटी का यूज करके आई को क्या लिख सकते हैं, आई को लिख सकते हैं ई टू द पावर आई पाई बाय 2। ऐसा क्यों किया, मेन नेचुरल लॉग ln 3 को माइनस ln 5, इन दोनों को कैलसी में सॉल्व करूंगा तो मुझे रियल पार्ट मुझे मिल जाएगा, लेकिन यहां पे इमेजिनरी पार्ट लॉगरिथम फंक्शन के फॉर्म में नहीं है, तो उसको लॉग को हटाने के लिए मैंने क्या कर रहा हूं, देखो आई को कैसे लिख रहा हूं यूजिंग यूलर्स आइडेंटिटी ई टू द पावर आई पाई बाय 2, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो इन दोनों को सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, फिर मुझे बताओ। और प्लस क्या आएगा, यहां पे आएगा प्लस आई पाई बाय 2 3.14 मतलब 1.57 आई। सीधी सी बात क्या है, एल एन ई यहां पे नेचर, ये नेचुरल लॉग है, तो अगर नेचुरल लॉग के साथ अंदर क्या है ई टू द पावर आई पाई बाय 2, तो ई टू द पावर आई पाई बाय 2 आ जाएगा आगे, और एल एन ऑफ ई क्या होता है 1 होता है। तो यहां पे देखो नेचुरल लॉग ऑफ ई टू द पावर आई पाई बाय 2, तो हमें लॉग की आइडेंटिटी से पता है आई पाई बाय 2 आ जाएगा आगे, और नेचुरल लॉग ऑफ ई कितना होता है 1 होता है, तो ये हो गया आई पाई बाय 2। और इस, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 5, इसका मुझे आंसर बताओ क्या होगा, इसका मुझे आंसर बताओ क्या होगा। चलो मैं यहां से इनिशियल गेस करूंगा, तो सबसे पहले मेरा इमेजिनरी पार्ट होगा 1.57 आई, और नेचुरल लॉग ऑफ 3 क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ 5 से कम होगा, तो सीधी सी बात है कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी, यहां पे क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा माइनस 0.51। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट होगा, क्लियर, ओके। 0.77, तुम कौन सी दुनिया में हो, 0.77 ये कौन सी है, ये कौन सी दुनिया है जिसमें आ गया 0.77, पता नहीं कैसे आ गया, मैग्नीट्यूड तो नहीं निकाल दिया तुमने, वो भी 0.77 नहीं आएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 से ज्यादा आएगा, ये क्या माइनस 0.5 प्लस 1.57 आई। फटाफट बता दो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे बताओ, नहीं तो हम फिर आगे बढ़ेंगे कॉची इंटीग्रल थ्योरम की तरफ, कॉची इंटीग्रल थ्योरम की तरफ, फिर आगे बढ़ेंगे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला की तरफ, फिर हम क्या करेंगे 2 से 3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर आप 250 डेज प्लान वाला रेजिड्यू वाला लेक्चर देखोगे, लास्ट लेक्चर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, और फिर आप असाइनमेंट सॉल्व करोगे, फिर आप असाइनमेंट सॉल्व करोगे। हाँ बिल्कुल, आज के बाद कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, आज के बाद कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, परसों से कैलकुलस स्टार्ट होगा, क्लियर हो गया सबको, क्लियर सबको, क्लियर हो गया, फटाफट मुझे आंसर दे दो, क्लियर हो गया। 72 वॉचिंग नाउ और लाइक है सिर्फ 50, ऐसा कैसे चलेगा, ऐसा कैसे चलेगा, इतने कंजूस मत बनो यार, इतने कंजूस मत बनो, इतने कंजूस मत बनो। चलो क्लियर है इसमें, इसमें कुछ डाउट है या सबको क्लियर है इसमें, ओके चलो क्लियर है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे कॉची इंटीग्रल थ्योरम की तरफ, और उसको देखते हैं वो क्या होता है, फिर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, क्लियर इतनी बात। तो यहां पर देखो, यहां पर देखो, ध्यान देना अभी, यहां पे कॉची इंटीग्रल थ्योरम और कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है वो हमें यहां पे ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, फिर हम देखेंगे उसमें हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो हम आएंगे कॉची इंटीग्रल, अभी ये टॉपिक पढ़ रहे हैं हम कॉची इंटीग्रल थ्योरम। तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या होता है हमें समझना है, कॉची इंटीग्रल थ्योरम हमें समझना है। तो आपने लाइन इंटीग्रल का लेक्चर देखा होगा 250 डेज प्लान में, जहां पे हम किसी फंक्शन का करते क्या करते हैं, लाइन इंटीग्रेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट फॉर गिवन पाथ ऑफ इंटीग्रेशन। अभी कॉची इंटीग्रल थ्योरम सिंपली क्या बोलता है वो समझो, लेट अस से मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये मेरा इमेजिनरी रियल एक्सिस, ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस, ये मेरा रियल एक्सिस और ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस, ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस। अभी ध्यान देना, लेट अस से इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में मेरे पास एक क्लोज्ड कर्व है, क्या है एक क्लोज्ड कर्व है, क्या है एक क्लोज्ड कर्व है जिसका ओरिएंटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, जिसका ओरिएंटेशन क्या है एंटी क्लॉकवाइज।
मेरे पास है कॉम, अभी कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम की बात कर रहे हैं, फिर कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला की, मेरे पास एक क्लोज्ड कर्व है, मेरे पास क्या है, एक क्लोज्ड कर्व है, या एक बोल सकते हैं सिंपली कंटूर है, कहां पे, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में, कहां पे, कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो ये एक कंटूर है, क्या है, कंटूर या क्लोज्ड कर्व को हम कंटूर बोलते हैं। तो लेटस से मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे क्या निकालना है, एक फंक्शन है जी ऑफ जेड, एक फंक्शन है जी ऑफ जेड जिसका लाइन इंटीग्रल निकालना है अलोंग दिस क्लोज्ड कर्व, जिसका लाइन इंटीग्रेशन निकालना है अलोंग दिस क्लोज्ड कर्व। इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन का मुझे इंटीग्रेशन निकालना है जी ऑफ जेड का, और इंटीग्रेशन का पाथ क्या है, ये पूरा कंटूर, इंटीग्रेशन का पाथ क्या है, पूरा कंटूर। इसका मतलब है जी ऑफ जेड का इंटीग्रेशन मुझे निकालना है अलोंग दिस क्लोज्ड कर्व और अलोंग दिस कंटूर, अलोंग दिस कंटूर। तो यहां पर कंटूर सी है, तो यहां पर लिख देते हैं सी। तो सिंपली ये इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं जी ऑफ जेड का विथ रिस्पेक्ट टू जेड अलोंग दी कंटूर, अलोंग दी कंटूर और क्लोज्ड कर्व। और ये जो सर्कल आप बता रहे हो, ये यही बता रहा है कि जो ये आपका कर्व है वो क्लोज्ड कर्व है और ये या तो ये कंटूर है। तो अभी कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम क्या बोलता है, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम क्या बोलता है वो समझो। कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम ये बोलता है, इफ जी ऑफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन द कंटूर देन इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ जेड along this contour will always result into zero। तो क्लियर हुई बात, बात सिंपली क्या है, अगर यहां पे ध्यान दो, मेरे पहले मैं देखूंगा मेरा इंटरेस्ट का रीजन क्या है, मेरा इंटरेस्ट का कंटूर क्या है, मेरे इंटरेस्ट का क्लोज्ड कर्व क्या है। ये मैंने डिसाइड कर लिया, ये मेरे इंटरेस्ट का क्लोज्ड कर्व है, और मेरे पास एक फंक्शन है जी ऑफ जेड जिसका इंटीग्रेशन निकालना है अलोंग दिस क्लोज्ड कर्व और अलोंग दिस कंटूर। क्लियर इतनी बात। फिर हमने क्या बोला, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम क्या बोलता है, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम हमें यह बताता है, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम हमें यह बताता है, अगर ध्यान से सुनना, अगर जिस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है अलोंग दिस कंटूर, अगर वो फंक्शन एनालिटिक है अलोंग दिस कंटूर एंड इनसाइड द कंटूर, इसका मतलब क्या है, जो जी ऑफ जेड है वो क्या है, एनालिटिक है, कहां पे, ये जो बाउंड्री पे सारी पॉइंट्स है वहां पे, और जो इस जो क्लोज्ड कर्व है उसके अंदर जो सारी पॉइंट्स है वहां पे भी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पे देखो मैंने क्या लिखा है, इफ जी ऑफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन द क्लोज्ड कर्व स्लैश कंटूर देन लाइन इंटीग्रल ऑफ g of z with respect to z along this contour will result into zero। तो हमने सिंपली क्या देखा, हमने सिंपली ये देखा, अगर आपके पास एक फंक्शन है g of z उसका अगर मुझे इंटीग्रेशन निकालना है अलोंग अ क्लोज्ड कर्व और अलोंग अ कंटूर, अलोंग अ कंटूर, और दूसरा मुझे यह भी पता है कि जो ये g ऑफ z है वो क्या है अलोंग दिस कंटूर एंड इनसाइड दिस कंटूर क्या है, एनालिटिक है, तो उस केस में इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा, सिंपली जीरो आएगा। क्लियर इतनी बात। तो कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम आपको पता चल गया, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम सिंपली, अगर मेरे पास एक फंक्शन है जी ऑफ जेड जिसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना है अलोंग दिस क्लोज्ड कर्व, बात याद आ रही है, समझ में आ रही है, मुझे क्या करना है, इस फंक्शन जी ऑफ जेड का इंटीग्रेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू जेड अलोंग दिस क्लोज्ड कर्व, तो ये रिजल्ट हमेशा जीरो होगा, कब जीरो होगा, जब जी ऑफ जेड क्या हो अलोंग द कंटूर एंड इनसाइड द कंटूर क्या हो, एनालिटिक हो। क्लियर। तो ये सिंपली था कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम। हम ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला में, तो इतना मुझे बता दो, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम में कोई डाउट, नहीं, कैलकुलस दिवाली के बाद स्टार्ट नहीं होगा, कैलकुलस आपका 12 तारीख से स्टार्ट होगा, 12 और 13 को कैलकुलस होगा, उसके बाद 14 और 15 को हम कोई लेक्चर नहीं होगा, 14 और 15 को कोई भी लेक्चर नहीं होगा।
अभी मुझे इतना बता दो सब लोग, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम में कोई डाउट है क्या? कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम सिंपली हमें यह बता रहा है, अगर आपको इस फंक्शन का जी ऑफ जेड का इंटीग्रेशन निकालना है अलोंग दिस क्लोज्ड कर्व, अलोंग दिस क्लोज्ड कर्व, तो वो इंटीग्रेशन का रिजल्ट हमेशा जीरो आएगा, प्रोवाइडेड जो जी ऑफ जेड है वो क्या है, वो एनालिटिक है ऑन द बाउंड्री ऑफ क्लोज्ड कर्व एंड इनसाइड द क्लोज्ड कर्व। मतलब मैं इसकी बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट ले लूं कर्व के, या इस कर्व के अंदर कोई भी पॉइंट ले लूं, वहां पे जी ऑफ जेड हमेशा क्या होगा, एनालिटिक होगा। उस केस में इस जी ऑफ जेड का इंटीग्रेशन अलोंग दिस क्लोज्ड कर्व और अलोंग दिस कंटूर का रिजल्ट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, जीरो होगा। क्लियर अभी तक? क्लियर हो गया, चलो ठीक है। हाँ, अगर ओरिएंटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो भी आंसर, देखो ओरिएंटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो भी जीरो होगा, ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज होगा तो भी जीरो होगा, दोनों केसेस में जीरो होगा। अभी हम पढ़ेंगे कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, अभी हम क्या पढ़ेंगे, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, अभी ध्यान देना यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला यह बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और इससे रिलेटेड है कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम। कोई भी प्रॉब्लम होगा इंटीग्रेशन का अलोंग द क्लोज कर्व और अलोंग द कंटूर, आप कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला लगाओ या कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम लगाओ, जो कि 250 डेज में आप रेफर करोगे, दोनों में आंसर सेम आएगा, दोनों में आंसर सेम आएगा। क्लियर इतनी बात? तो चलो देखते हैं कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी मेरे साथ बने रहिएगा। लेट अस से ये मेरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, लेट अस से मेरे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है। यहां पे ये है मेरा रियल एक्सिस, ये है मेरा इमेजिनरी एक्सिस, ये है रियल एक्सिस, ये है इमेजिनरी एक्सिस। अभी लेट अस से मेरे पास एक कंटूर है, लेट अस से मेरे पास एक कंटूर है इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यहां पे एक पॉइंट है जेड नॉट, यहां पे एक पॉइंट है जेड नॉट, और ये क्या है मेरा कंटूर है, कंटूर सी या क्लोज्ड कर्व सी। ठीक है, इतना मेरे साथ बने रहिएगा, अभी 5 से 10 मिनट मेरे साथ बने रहना, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम और कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता के एग्जांपल पे नहीं जा रहा हूं, आपको फिजिकल सेंस भी बता रहा हूं उसका क्या मतलब है। क्लियर? ओके, तो अभी चलो ये मेरा एक फंक्शन है, लेट अस से अभी ध्यान से सुनना, मुझे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है, मुझे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है g of z का कहां, किसका, g of z का along this contour और along this closed curve, along this contour along और along this closed curve, along this closed curve। क्लियर इतनी बात? अभी देखो सिंपल चीजें समझना, सिंपल कैसे चीजें जा रही है, कैसे चीजें जा रही है वो समझना। अगर मुझे क्या निकालना है, मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है इस फंक्शन का g of z का इंटीग्रेशन निकालना अलोंग दिस क्लोज्ड कर्व और अलोंग दिस कंटूर सी विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अभी ध्यान देना। अगर ये जो है जी ऑफ जेड वो इस कंटूर पे और इसके अंदर सारी पॉइंट्स पे एनालिटिक है, तो डायरेक्टली आंसर क्या होगा, जीरो होगा, क्लियर इतनी बात, डायरेक्टली आंसर क्या होगा, जीरो होगा। अभी ध्यान दो, अभी हम ये वाला केस ले रहे हैं, हम वो वाला केस ले रहे हैं जहां पे जो g ऑफ z है वो किसी एक पॉइंट पे z नॉट पे एनालिटिक नहीं है। पहले केस हमने क्या लिया, g ऑफ z क्या था, सारी बाउंड्री की पॉइंट्स पे और बाउंड्री के अंदर सारी पॉइंट्स पे एनालिटिक था। अभी जब कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं तो हम यहां पे ऐसा बोल रहे हैं कि जो g ऑफ z है वो z नॉट पे, जो कि कंटूर के अंदर पॉइंट है, वहां पे एनालिटिक नहीं है। क्लियर इतनी बात? अगर वहां पे एनालिटिक नहीं है तो हम डायरेक्टली कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम से जीरो नहीं लिख सकते। अगर g ऑफ z एनालिटिक होता ऑन द बाउंड्री और इनसाइड द कर्व तो हम सिंपली बोलते आंसर जीरो है, लेकिन अभी हमने क्या बोला, g of z is not analytic at point z is equal to z naught which is inside the contour
और क्लोज्ड कर्व सी। क्लियर इतनी बात? तो हमने जो कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा, उसमें हमने ये पढ़ा कि कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, सॉरी कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम, वहां पे जी ऑफ जेड क्या था मेरा, एनालिटिक था बाउंड्री पे और सारी पॉइंट्स जो इस बाउंड्री के अंदर है। लेकिन यहां पे जी ऑफ जेड क्या है, एक पॉइंट जो बाउंड्री पे अंदर है वहां पे एनालिटिक नहीं है, वहां पे एनालिटिक नहीं है। तो इस केस में इस इंटीग्रेशन का आंसर जीरो भी हो सकता है या इस इंटीग्रेशन का आंसर वन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, सॉरी जीरो भी हो सकता है या नॉन जीरो भी हो सकता है। देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। लेट अस से मैं g ऑफ z को ऐसे ब्रेक कर देता हूं, इंटीग्रेशन अलोंग द क्लोज्ड कर्व, g ऑफ z को मैं ऐसे ब्रेक कर देता हूं f of z z minus z not into dz, z minus z not into dz। क्लियर इतनी बात? मैंने क्या कर दिया, यहां पे ध्यान देना, मैंने क्या कर दिया, g ऑफ z को कैसे ब्रेक कर दिया, इसको एक नए फंक्शन के फॉर्म में लिखा f ऑफ z डिवाइड बाय क्या लिखा, z माइनस z नॉट, डिवाइड बाय क्या लिखा, z माइनस z नॉट। तो यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है जो g ऑफ z है z इक्वल टू z नॉट के लिए क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। as z टेंड्स टू z जीरो, gz टेंड्स टू इंफिनिटी। तो z इक्वल टू z जीरो, लेट अस से ये z माइनस टू होता, लेट अस से ये z माइनस टू होता, तो अगर हम z इज इक्वल टू टू रखते तो टू माइनस टू हो जाता जीरो, f ऑफ z डिवाइड बाय जीरो, g ऑफ z क्या हो जाता, अनडिफाइंड। या दूसरी भाषा में बोले as z टेंड्स टू z जीरो, gz टेंड्स टू इंफिनिटी, क्योंकि न्यूमरेटर में वो फैक्टर है z माइनस z जीरो। तो यहीं से दिख रहा है, देखो यहीं से दिख रहा है, z इक्वल टू z नॉट के लिए न्यूमर डिनोमिनेटर आपका जीरो हो जाएगा, इसलिए g ऑफ z अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड होगा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, और अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं, डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो एनालिटिक भी नहीं होगा। तो इस केस में इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा वो हमें देखना है। तो सिंपली हमें क्या सॉल्व करना है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ z डिवाइड बाय z माइनस z नॉट इनटू d ऑफ z इज इक्वल टू, सिंपली इंटीग्रेशन का आंसर लिखना है, ये फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, 2 पाई आई into f of a, sorry f of z naught, 2 pi I into f of z naught, 2 pi I into f of z naught। क्लियर इतनी बात, 2 pi I into f of z। और दूसरी बात ये जो पॉइंट है z is equal to z naught, जहां पे g of z क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, इसको बोलते हैं सिंगुलरिटी, इसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी और सिंपली सिंगुलर पॉइंट, जहां पे फंक्शन क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। और इसको ये भी बोलते हैं कि ये क्या है, इस g ऑफ z का पोल है, g ऑफ z का पोल है, z इज इक्वल टू z नॉट क्या है, हेयर z इज इक्वल टू z नॉट इज पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी ऑल्सो Also, z is equal to z naught is called pole of g of z। Simply, अगर z minus z naught की power 1 है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है power 1 है, तो इसको बोलेंगे pole of order 1। अगर यहाँ पे z minus z naught to the power 2 होता तो क्या होता, pole of order 2। Similarly, pole of order 3, जितनी बार poles, same pole कितनी बार repeat हो रहा है वही उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। अभी यहां पे पोल सिंपली क्या है, ऑर्डर वन वाला है, तो उसको सॉल्व करने का ये फॉर्मूला है। अगर पोल की ऑर्डर एक से ज्यादा होगी उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो उसका हम फॉर्मूला लिखेंगे। दूसरी बात याद रखो, जब कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला लगा रहे हैं तो g ऑफ z इस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, लेकिन g ऑफ z को मैंने ब्रेक कर दिया f ऑफ z डिवाइड बाय z माइनस z नॉट, और ब्रेक ऐसे करना है, यहां पे कंडीशन इंपोज होगी कि जो यहां पे f ऑफ z होगा, where f of z is analytic inside and on the curve C, inside and on the closed curve or contour C। क्लियर इतनी बात? तो हमने क्या किया, सिंपली देखो, मेरे पास फंक्शन था g of z को मैंने कैसे ब्रेक किया, f of z divided by z minus z naught, g of z is z equal to z naught पे analytic नहीं है, लेकिन मैंने इसको फंक्शन को क्या कर दिया, g of z को ब्रेक कर दिया f of z divided by z minus z naught करके, और ब्रेक ऐसे किया कि ये f of z क्या है, analytic है, कहां पे, inside and on the contour C। क्लियर इतनी बात? तो इस केस में सिंपली
सिंपली हमारे काम की चीज ये है क्या, अगर मेरे पास कोई फंक्शन दिया गया है, याद रखो अगर मेरे पास कोई फंक्शन दिया गया है जो न्यूमरेटर में लिखा होगा और नीचे आपको पोल्स दिख रहे हैं, तो उन और उसका इंटीग्रेशन निकालना है पूरे रेशनल फंक्शन का जी ऑफ जेड का, तो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, ये आंसर 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ जेड नॉट। एफ ऑफ जेड क्या होगा, जेड माइनस जेड नॉट का जेड माइनस जेड नॉट के पार्ट को छोड़ के बाकी जो भी बचेगा वो मेरा क्या होगा, एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड में जेड नॉट रख दोगे तो क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ जेड नॉट, उसको 2 पाई आई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इंटीग्रेशन का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। क्लियर इतनी बात, तो आपको इंटीग्रेशन का रिजल्ट मिल जाएगा। ओके अगर काउंटर, अभी यहां पे ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना, यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, यहां पे सिंपली ध्यान दो, हमने जो ये फॉर्मूला लिखी है, हमने जो ये फॉर्मूला लिखी है उसमें हमने काउंटर, ये जो कंटूर है उसको क्या माना है, क्लॉकवाइज। कंटूर को क्या माना है, क्लॉकवाइज। ध्यान दो कंटूर क्या है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। कंटूर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ये फॉर्मूला जो हमने लिखी है, ये फॉर्मूला हमने लिखी है सिंपली, अभी हमें इतना याद रखना है, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा था, अभी हमें क्या माइंड में याद रखना है, अगर मुझे इस टाइप का इंटीग्रल का रिजल्ट लाना है, इंटीग्रल क्या करना है, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड माइनस जेड नॉट अलोंग द क्लोज्ड कर्व और अलोंग द कंटूर, तो सिंपली आंसर क्या होगा, 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ जेड नॉट। एफ ऑफ जेड आपको पता होगा, उसमें जेड की जगह जेड नॉट रख दोगे तो क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ जेड नॉट। और ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, जब आपका पोल क्या हो, सिंपल पोल हो, फर्स्ट ऑर्डर का पोल हो, सिंपल पोल हो या फर्स्ट ऑर्डर का पोल हो। और ये फॉर्मूला किसके लिए हमने बनाया है, जब कंटूर की जो डायरेक्शन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, या हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव सेंस, या क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेंस। तो यहां पर लिख दो कंटूर, डायरेक्शन ऑफ कंटूर, direction of contour is anti-clockwise, is anti-clockwise या counter-clockwise, या तो क्या है ये positive sense बोलते हैं इसको, positive sense। clear क्या होगा, positive sense। अगर मैं आपको बोलूं कि जो contour है उसकी direction clockwise लो, तो simply क्या हो जाएगा, यहाँ पे minus आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, minus आ जाएगा। clear इतनी बात, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अगर कंटूर की डायरेक्शन आप क्या लेते हो, काउंटर क्लॉकवाइज, क्या लेते हो, काउंटर क्लॉकवाइज, तो यही यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी हमें नहीं बोला है कि कंटूर की डायरेक्शन क्लॉकवाइज लेनी है या कंटूर की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लेनी है, तो बाय डिफॉल्ट हमें क्लॉकवाइज ही लेना है, बाय डिफॉल्ट हमें क्लॉकवाइज ही ले, ओ सॉरी एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो ये वाली फॉर्मूला है वो किसके लिए वैलिड है, जब आप डायरेक्शन कंटूर की क्या ले रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, या इसको पॉजिटिव सेंस भी बोलते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले रहे हैं कंटूर की, तो यहां पे क्या आ जाएगा, आगे माइनस आ जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैं फिर से लिख देता हूं इसको, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड माइनस जेड नॉट विथ रिस्पेक्ट टू जेड अलोंग दी क्लोज्ड कर्व और अलोंग दी कंटूर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ जेड नॉट इंटू एफ ऑफ जेड नॉट। क्लियर इतनी बात, ये क्या होगा, जब क्या हो, डायरेक्शन ऑफ कंटूर इज क्लॉकवाइज। क्लियर इतनी बात, तो डायरेक्शन ऑफ अगर कंटूर काउंटर क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है या पॉजिटिव सेंस है, तो सिंपली इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या है, ये इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं अब हम किसका, एफ ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड माइनस जेड नॉट का, किसका, अलोंग द क्लोज्ड कर्व और अलोंग द कंटूर, उसका आंसर होगा 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ जेड नॉट। अगर डायरेक्शन क्या ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज या पॉजिटिव सेंस, अगर हम डायरेक्शन ऑफ कंटूर क्या ले रहे हैं, क्लॉकवाइज, तो सिंपली यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहां तक किसी को कुछ डाउट, यहां तक किसी को कुछ डाउट है फटाफट इसका मुझे बताओ। अगर यहां पे ध्यान दो, अगर फंक्शन जो है जी ऑफ जेड वो एनालिटिक होगा, मतलब सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, सीआर इक्वेशन
सेटिस्फाई करना चाहिए। क्लियर इतनी बात, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ये जो हम कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम पढ़ रहे हैं, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, या आगे कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम पढ़ेंगे, उसके लिए अगर फंक्शन सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो हम बोलेंगे ये एनालिटिक है, डेट कंडीशन इज सफिशियंट, डेट कंडीशन इज सफिशियंट। तो फटाफट मुझे बता दो क्लियर हो गया यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल फटाफट जल्दी से, यहां तक सब क्लियर है? ओके, यहां तक सबको क्लियर हो गया। सिंपली यहां पे याद रखना, अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है, हमें यहां पे सिर्फ इन चीजों पे फोकस करना है, एक इस पे और एक इस पे, सिर्फ इस पे फोकस करो, अगर कंटूर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी, तो सिंपली यहां पे माइनस आ जाएगा। तो अगर इस टाइप का अगर हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, जहां पे कोई न्यूमरेटर में फंक्शन होगा एफ ऑफ जेड, डिनोमिनेटर में क्या होगा, इस टाइप का आपको टर्म दिखेगा जेड माइनस जेड नॉट, जो कि पोल होगा किसका, ये ओवरऑल फंक्शन का, जिसको हमने बोला था जी ऑफ जेड। तो इस टाइप के अगर इंटीग्रेशन को सोल्व करना है तो सिंपली आंसर क्या होगा, टू पाई आई इंटू एफ ऑफ जेड नॉट। ये फॉर्मूला हमने किसके लिए लिखी, जहां पे पोल का ऑर्डर क्या है, वन है। अगर पोल का ऑर्डर एक से ज्यादा है उसके लिए भी फॉर्मूला हम लिखेंगे, पोल का ऑर्डर अगर एक से ज्यादा है, वन से ज्यादा है, लेटर से यहां पे होता है जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर होल स्क्वायर, तो इस फॉर्मूला में क्या चेंजेस आता वो भी हमें देखना चाहिए, वो बिल्कुल हम देखेंगे। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो बता दो, यहां तक सबको क्लियर है ना? ओके, तो अभी देखो अगर ये पोल जो है वो nth ऑर्डर पोल होता, क्या होता, nth ऑर्डर पोल, या इसको सिंपली मैं ऐसा लिखूं, इसी फॉर्मूला को चेंज कर दूं, अगर पोल का ऑर्डर क्या है, एक से ज्यादा है, लेट अस से इस फॉर्म में हम लिखते हैं, इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम ऐसे लिख रहे हैं, अगर इसी फंक्शन को मैं इस टाइप में लिखूं, अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन अगर मुझे फाइंड करना है, एफ ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड माइनस जेड नॉट टू दी पावर एन प्लस वन इंटू डी जेड, तो आंसर क्या होगा वो हमें देखना है, सिंपली यहां पे क्या देखो, सबसे पहले क्या था, टू पाई आई एज इट इज आएगा, क्या आएगा, टू पाई आई एज इट इज डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल, यहां पे इंटू आएगा, एफ फंक्शन का क्या लेंगे, nth ऑर्डर डेरिवेटिव एट पॉइंट जेड नॉट, तो ये वाली फॉर्मूला जो हमने पढ़ी थी वो किसके लिए पढ़ी थी, जब आपका पोल क्या हो, ऑर्डर वन का हो, यहां पे अगर पोल का ऑर्डर एक से ज्यादा हो, लेट अस से मैं बोल रहा हूं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ये जो डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है पोल, उसका ऑर्डर है टू, उसका ऑर्डर क्या है टू, इसका मतलब एन प्लस वन क्या होगा, टू होगा, एन प्लस वन अगर टू होगा तो मुझे बताओ एन क्या होगा, वन होगा, तो यहां पर इस फॉर्मूला में रख दो तो क्या आएगा, टू पाई आई डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल, मतलब वन फैक्टोरियल होगा वन, इंटू एफ डैश ऑफ जेड नॉट, मतलब एन क्या बता रहा है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर एन क्या है, वन है, एन अगर वन है तो क्या सिंपली ये बोल रहा है कि आप एफ ऑफ जेड का एक बार डेरिवेटिव लो, और डेरिवेटिव लेने के बाद क्या करो, जेड की जगह जेड नॉट उसमें सब्सटीट्यूट कर दो, क्लियर हो गया इतना? हाँ, इसमें ऐसा ही है, ये जो कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम है या कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला है, इसमें जब हम क्वेश्चंस लगाते हैं तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती हैं, लेकिन यहां पे एक बात आपको ये हमेशा माइंड में रखनी है, जो ये आपको पोल दिख रहा है जहां पे पॉइंट क्या है, सिंगुलरिटी वाला पॉइंट है या सिंगुलर पॉइंट है, जहां पे जी ऑफ जेड अनडिफाइंड हो रहा था, वो पॉइंट ध्यान रखना कंटूर के अंदर होना चाहिए, हमें वो पॉइंट कंसीडर, यहां पे मैं फिर से बता रहा हूं, इस टाइप का अगर यहां पे आपको इंटीग्रल फाइंड करना है तो हमें वो पॉइंट्स कंसीडर करने हैं, हमें वो पॉइंट्स को डिनोमिनेटर में टारगेट करना है जो पॉइंट्स कंटूर के अंदर हो, ओके, यहां पे सब क्लियर हो गया आपको, ये वाली फॉर्मूला क्लियर हो गई, इस फॉर्मूला का हम एप्लीकेशन देखेंगे, मैं एक एग्जांपल करवाऊंगा आपको जिससे आपका ये वाला फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो पहला एग्जांपल आज का ले रहे हैं हम, पहला एग्जांपल बिल्कुल इजी एग्जांपल है,
ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है इसके बेस पे ही हम एग्जाम्पल लेंगे, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल को। तो आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट सामने होगा तो एग्जाम्पल भी आप सिंपली बना लोगे, एग्जाम्पल भी सिंपली आप बना लोगे। तो मेरे साथ लिखिए, अभी मेरे साथ लिखिए, अभी यहां पे मेरे साथ लिखिए, लेट लेट जेड बी, सिंपली ये हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, सिंपली ये गेट का क्वेश्चन है आज का एग्जाम्पल नंबर टू, वो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। क्या पूछा है, अगर हम इस फंक्शन का इंटीग्रल निकालते हैं, फंक्शन क्या है, वन अपॉन फाइव जेड माइनस फोर इंटू डी जेड अलोंग अ क्लोज्ड कर्व, और इसका आंसर क्या आ रहा है, ए पाई आई, इसका आंसर क्या आ रहा है, ए पाई आई, और हमें क्लोज्ड कर्व क्या दिया है, क्लोज्ड कर्व आपको दिया गया है, क्लोज्ड कर्व आपको दिया गया है मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू वन, मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू वन। इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है, क्या सिंपली हमें करना है, जो ये फंक्शन है एफ ऑफ जेड वो क्या है, वन अपॉन फाइव जेड माइनस फोर, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। मतलब ये क्या है, जी ऑफ जेड, ये क्या है, जी ऑफ जेड, ये मेरा है जी ऑफ जेड अलोंग अ क्लोज्ड कर्व, और क्लोज्ड कर्व मेरा क्या है, मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू वन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ऐसे प्रॉब्लम्स जब आप फेस करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक ही चीज करनी है, क्या, कि सबसे पहले जो कंटूर या क्लोज्ड कर्व दिया गया है उसको ड्रॉ कर दो, कंटूर या क्लोज्ड कर्व को आपको क्या करना है, ड्रॉ कर देना है, क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है, क्लियर इतनी बात। तो देखो उसको ड्रॉ कैसे करेंगे, सिंपली आपका कंटूर जो गेट में क्वेश्चन आते हैं मोस्टली सर्कल के आते हैं, स्क्वायर का भी आता है, रेक्टेंगल का भी आता है, कोई भी आर्बिटरी शेप हो सकता है, जो कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला है या जो कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम है उसको कंटूर या क्लोज्ड कर्व के शेप से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेना देना कहां से, उस पॉइंट से, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंटूर के अंदर होना चाहिए। तो लेट अस से ये मेरे पास सर्कल है, मोड ऑफ जेड क्या होगा, एक्स प्लस आई वाई होता है अपने पास, जेड इज इक्वल टू वन, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो ये सिंपली क्या है, एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका ओरिजिन होगा जीरो, और सॉरी सेंटर होगा ओरिजिन और रेडियस क्या होगा वन, सिंपली ये हमारे लिए एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर कहां पे होगा, जीरो जीरो पे, ओरिजिन कहां पे होगा, वन पे, ओरिजिन कहां पे होगा, वन पे, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारा इक्वेशन बना सर्कल का जिसका सेंटर कहां पे होगा, सेंटर होगा ओरिजिन पे, और इसका रेडियस क्या होगा, वन होगा, इसका रेडियस क्या होगा, वन होगा। तो चलो मैं इसको ड्रॉ करता हूं, इसको मैं ड्रॉ करता हूं, तो ये मेरा सर्कल बना, ये मेरा क्या बना, ध्यान से देखना, ये मेरा एक सर्कल बना जिसका सेंटर कहां है, ओरिजिन पे, सेंटर कहां पे है, ओरिजिन पे, और रेडियस क्या होगा, इसका वन होगा, रेडियस क्या होगा, वन होगा। अगर रेडियस वन होगा तो मुझे बताओ ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस वन होगा, तो ये वन होगा, ये माइनस वन होगा, ये मेरा आई होगा, ये क्या होगा, माइनस आई होगा, ये क्या होगा, माइनस आई होगा, क्लियर इतनी बात। अभी आई बराबर क्या है, यहां पर ध्यान देना, आई बराबर क्या है, क्लोज्ड कर्व सी के अलोंग हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, वन अपॉन फाइव जेड माइनस फोर का, वन अपॉन फाइव जेड माइनस फोर का, इस फाइव जेड माइनस फोर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, जेड माइनस जेड जीरो के फॉर्म में, जहां पे ध्यान से देखो जेड का कोएफिशिएंट क्या है, वन है, जेड का कोएफिशिएंट वन है, यहां पे जेड का कोएफिशिएंट फाइव है, तो फाइव को यहां बाहर कॉमन निकालो तो क्या होगा, जेड माइनस फोर बाय फाइव, जेड माइनस फोर बाय फाइव, क्लियर इतना, z माइनस फोर बाय फाइव। चलो आगे प्रोसीड करते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे सिंपली। इसके बाद क्या करेंगे, अभी ये क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें सिंपल एक पोल है, सिंपल एक पोल है जिसका ऑर्डर क्या है, वन, सिंपल एक पोल है जिसका ऑर्डर क्या है अपना, वन, क्लियर इतनी बात। उसके बाद हम करेंगे जहां पे पोल होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, एक से ज्यादा होगा, क्या होगा, एक से ज्यादा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको अगर सॉल्व करना है सिंपली तो इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर इसको करेंगे कैसे, ये वाला जो इतना टर्म है, ये वाला जो इतना टर्म है इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, एफ ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड माइनस जेड नॉट वाले टर्म के साथ। तो उसके अकॉर्डिंग यहां पे एफ ऑफ जेड क्या होगा, इसका मतलब अगर मैं बोलूं मुझे सिर्फ इतने टर्म को सॉल्व करना है, यहां पे जो मैंने बॉक्स बना दिया है
इतने वाले इंटीग्रेशन वाले पार्ट को मुझे सॉल्व करना है, इसको उसके साथ कंपेयर करो, f ऑफ z डिवाइड बाय z माइनस z नॉट इनटू dz, बाकी जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं 1/5 के साथ क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इस पार्ट का अगर रिजल्ट देखोगे तो क्या आएगा, रिजल्ट हमें डायरेक्ट नहीं लिखना है, रिजल्ट हमें डायरेक्ट नहीं लिखना है, पहले ये चेक करना है क्या ये पॉइंट इस कंटूर के अंदर है, क्या ये पोल जो है वो कंटूर के अंदर है, ये वाला पॉइंट कंटूर के अंदर है। तो ये वाला पॉइंट देखो क्या है, z इज इक्वल टू 4/5 क्या होगा 0.8, ये बिल्कुल कंटूर के अंदर है, यहां पे कहीं आएगा 1 के पास, z इज इक्वल टू 4/5। तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, सबसे पहले आपको ये बात का ध्यान रखना है, जो नीचे डिनोमिनेटर में ये पोल दिख रहा है ये कौन से फॉर्म में होना चाहिए, z माइनस z नॉट के फॉर्म में, z का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इसलिए मैंने 5 को कॉमन निकाला। उसके बाद आपको दूसरी चीज ये चेक करनी है कि पोल क्या कंटूर के अंदर है, पोल हमने देखा बिल्कुल कंटूर के अंदर है, तो हम क्या लगाएंगे, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। अगर मैं सिर्फ यहां पे फोकस करूं बॉक्स पे, तो यहां पे मुझे बताओ f ऑफ z क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और z नॉट हमारा क्या होगा 4/5। तो सिर्फ बॉक्स पे फोकस करो, बॉक्स पे फोकस करो, उसका आंसर क्या होगा, अगर हम सिर्फ बॉक्स पे अगर फोकस करें तो उसका आंसर होगा 2πi इंटू f ऑफ 4/5 इंटू एफ ऑफ 4/5। ये रहा मेरा बॉक्स का आंसर, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/5, क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/5। और मुझे पता है अगर f ऑफ z 1 है, इसका मतलब जो फंक्शन है f ऑफ z, ये z पे डिपेंडेंट नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो z की वैल्यू कोई भी रखो हमेशा आंसर क्या आएगा 1 आएगा, तो f ऑफ 4/5 क्या होगा 1 होगा, तो आंसर क्या होगा 2πi/5। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें ऐसे डील करना है, ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर हो गई इतनी बात, क्लियर हो गई। क्लियर हो गया, ओके। ये हाँ नहीं, एनालॉग की भी क्लास होती है ना ऑप्टिमस की 7 बजे तक, ओके सब क्लियर हो गया। देखो जो बच्चे जी ऑप्टिमस में है, जिन्होंने एनोलॉग की क्लास ली है, उनको सेवियर देखने की जरूरत नहीं है, आपको जी ऑप्टिमस में जो सुबह मैक्स पढ़ाया है, जो जी ऑप्टिमस में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमने कल खत्म कर दिया, उतना सफिशियंट है आपके लिए, आप लेक्चर नहीं देखेंगे तो भी चलेगा। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बता दो, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है, जो हमने अप्रोच देखा उसी के बेस पे ही हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। कुछ भी अगर डाउट है तो कृपया करके मुझे बता दें, नहीं तो हम आगे प्रोसीड करें। और ये वाले जो सारी चीजें हैं, ये जितने जितने डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स लगाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ, उतनी उतनी ज्यादा चीजें ये क्लियर हो जाएंगी। सेम क्वेश्चन को कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम से भी सॉल्व किया जा सकता है। कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम के लिए आपको मेरा 250 डेज वाला प्लान देखना है। अगर कोई भी स्टेप में डाउट है तो मुझे पूछो, मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं। इसके बाद 2-3 और एग्जांपल देखेंगे, फिर इस सेशन को हम कंक्लूड कर देंगे। क्लियर? हाँ, यहां पे ध्यान दो, एक स्टूडेंट ने बोला है, सर आपने कंटूर की डायरेक्शन मेंशन नहीं की है, जबकि गेट, अभी मैं देखो आपको रियलिटी बताता हूं, गेट का जो क्वेश्चन है उसमें पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, उसमें मेंशन किया हुआ है कि हमको जो कंटूर है उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लेनी है, लेकिन मैंने आपको साथ में एक चीज ये भी बताई थी, अगर ये बात ध्यान से सुनना, अगर कंटूर की डायरेक्शन क्वेश्चन में मेंशन नहीं की गई है, तो आपको बाय डिफॉल्ट काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या पॉजिटिव सेंस ही अज्यूम करना है बाय डिफॉल्ट। क्लियर इतनी बात, तो आपको यह चीज याद रखनी है। अरे ये देखो, जिसको भी लास्ट स्टेप में डाउट है वो देखो, ये जिसपे मैंने जितना डब्बा बनाया है, इसको इसके साथ कंपेयर करना है। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, हमने क्या पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड माइनस जेड नॉट इनटू डीजेड इज इक्वल टू 2πi इनटू एफ ऑफ जेड नॉट इनटू एफ ऑफ
जेड नॉट, इसको अपने इस डब्बे के साथ कंपेयर करो, इसको अपने डब्बे के साथ कंपेयर करो। डब्बा क्या है, वन अपॉन जेड माइनस फोर बाय फाइव डी जेड इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसको इसके साथ कंपेयर करो तो z माइनस जेड नॉट मतलब z नॉट क्या होगा 4 बाय फाइव डी जेड, डी जेड दिख रहा है, ये इंटीग्रेशन का साइन दिख रहा है, तो बाकी क्या बचा f ऑफ z, f ऑफ z यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, f ऑफ z क्या होगा 1 होगा, तो इस डब्बे का इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होगा 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ जेड नॉट मेरा क्या है 4 बाय फाइव मीन्स एफ ऑफ 4 बाय फाइव। लेकिन यहां पे देखो मेरा f ऑफ z क्या है 1 है, f ऑफ z क्या है 1 है, तो मतलब z की कोई भी वैल्यू रखो आपका f ऑफ z नॉट हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। f ऑफ z अगर 1 है तो f ऑफ z नॉट मतलब अगर इस इक्वेशन में हम z की जगह 4 बाय 5 रखें तो क्या होगा, ये इक्वेशन तो z पे डिपेंड ही नहीं करता, तो z नॉट की कोई भी वैल्यू रखो f ऑफ z हमेशा क्या होगा 1 होगा। तो हमने पहले इस डब्बे पे फोकस किया था, हमने इस डब्बे पे फोकस किया, हमने इस डब्बे पे फोकस किया, इस डब्बे का रिजल्ट क्या आया 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ 4 बाय 5, एफ ऑफ 4 5 क्योंकि एफ ऑफ जेड 1 है तो एफ ऑफ 4 बाय 5 1 होगा, इस ओवरऑल का रिजल्ट क्या होगा 2 पाई आई, और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया जो बाहर ये कोएफिशिएंट दिख रहा है वो भी तो है ना, ओवरऑल इंटीग्रेशन तो क्या है इस डब्बे का रिजल्ट और उसके साथ किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 5 के साथ, ओवरऑल जो रिजल्ट है इस इंटीग्रेशन का क्या है ये डब्बे का रिजल्ट और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 5 जो बाहर बचा है, इस डब्बे का रिजल्ट आया 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ 4 बाय 5 मतलब 2 पाई आई, उसको मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 1 बाय 5 के साथ, तो ओवरऑल आंसर आया 2 पाई आई बाय 5, 2 पाई आई बाय 5। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो ये पॉइंट है सिंगुलर पॉइंट या पोल, हमें किस पे फोकस करना है, वो पॉइंट कहां होना चाहिए सर्कल के कंटूर के अंदर, वो पॉइंट कहां पे होना चाहिए कंटूर के अंदर, अगर यही पॉइंट कंटूर के बाहर होता, ध्यान देना अगर यही पॉइंट कंटूर के बाहर होता तो हम क्या कंक्लूड करते कि ये जो गिवन कंटूर है उस बाउंड्री पे और उसके अंदर ये जो पूरा फंक्शन है वो एनालिटिक है, इसलिए ये इंटीग्रेशन का रिजल्ट सिंपली जीरो आएगा। एफ ऑफ जेड, f ऑफ z 4 तो ये रिजल्ट आया, अभी इसको इसके साथ जो रिजल्ट दिया गया है a पाई आई इसके साथ कंपेयर करो तो a क्या आएगा 2 बाय 5, a क्या आएगा 2 बाय 5, समझ में आ गया। अभी किसी स्टूडेंट ने पूछा है कि सर क्या f ऑफ z x और y का फंक्शन हो सकता है, हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन को x और y के फॉर्म में लिखते हैं u प्लस iv के साथ, लेकिन जब कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम या कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम या कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वहां पे f ऑफ z पूरा जो ये फंक्शन है वो z के फॉर्म में होगा, x और y के फॉर्म में नहीं होगा। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बता दो, अभी यहां पे ध्यान दो, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, वो ये, अगर अभी यहां पे ध्यान देना, कहानी में ट्विस्ट क्या है वो समझो जरा, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं, थोड़ा इस क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अभी सब यहां पे हटा रहा हूं, इसी क्वेश्चन को देखो अभी इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हैं वो देखो। अभी मैं ऐसा बोल रहा हूं, जो आपका कर्व है क्लोज्ड कर्व, वो एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन क्या है सेंटर है और रेडियस है 0.5, रेडियस क्या है 0.5, तो सबसे पहले क्या करोगे कंटूर को ड्रॉ करोगे, ये मैंने कंटूर को ड्रॉ किया, x एक्सिस ये मेरा y एक्सिस, कंटूर को ड्रॉ करोगे तो यहां पे ध्यान दो, मेरा ये जो कंटूर है वो क्या है सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है, जिसका सेंटर क्या है ओरिजिन और रेडियस क्या है 5, मतलब ये पॉइंट होगा 0.5, ये पॉइंट होगा -0.5, ये पॉइंट क्या होगा 0.5i, ये पॉइंट क्या होगा -0.5i, क्लियर।
तो ये मेरा क्या था, ये फंक्शन था, सेम फंक्शन को मुझे इंटीग्रेट करना है अलोंग, लेकिन यहां पे मैंने क्लोज्ड कर्व या कंटूर को चेंज कर दिया, उसके स्पेसिफिकेशन चेंज कर दिया। यहां पे ध्यान दो, ये जो कंटूर है वो पहले क्या था, जो सर्कल था पहले भी सर्कल था जिसका सेंटर क्या था, ओरिजिन था, रेडियस वन था, लेकिन यहां पे अभी मैंने चेंज कर दिया। ये कौन सा सर्कल लिया, ये मैंने वो सर्कल लिया जिसका क्या है ओरिजिन क्या है सेंटर है और रेडियस क्या है 0.5 है, रेडियस क्या है 0.5। अभी इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो हम कैसे लिखेंगे, 1/5 इंटीग्रेशन अलोंग सी 1/z माइनस 4/5 इंटू dz इंटू dz, क्लियर इतनी बात, इंटू dz। यहां पे ध्यान दो, इसी को ही मैंने उस फॉर्म में लिख दिया जहां पे z का कोएफिशिएंट क्या होगा, क्या होगा 1 होगा, z माइनस z नॉट के फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है। अभी देखो पोल कहां पे होगा, पोल मेरा कहां पे 4/5 पे, ये मेरा पोल है, ये मेरा क्या है पोल है। अभी पोल जो गिवन कंटूर दिया गया है उसमें ये पोल क्या है 0.8 पे है, 0.4 को दिखाते हैं क्रॉस से, तो ये पोल कहां पे कंटूर के बाहर है, पोल कहां है कंटूर के बाहर है। अभी यहां पे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान देना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है ध्यान देना, ये मेरा पूरा क्या था, ये मेरा पूरा है जी ऑफ जेड, ये मेरा पूरा क्या है जी ऑफ जेड, ये क्या है जी ऑफ जेड, इसको मान लो या इसको आप g ऑफ z मान लो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आप g ऑफ z मान सकते हो, क्योंकि मुझे इस पार्ट पे क्या है फोकस करना है, मुझे इस पार्ट पे क्या करना है फोकस करना है। अभी ध्यान दो, अभी ध्यान देना, कुछ भी अभी शरारत मत करो, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो। अभी मेरे पास कंटूर है लेटस से, अभी मेरे पास इसकी डायरेक्शन में अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, अभी मेरे पास कंटूर है जो कि एक सर्कल है जिसका ओरिजिन कहां पे, सेंटर जिसका ओरिजिन है, रेडियस 0.5 है। सेम क्वेश्चन के साथ अगर मैं डील कर रहा हूं तो यहां पे देखो जो पोल है वो कहां है, कहां है कंटूर के बाहर चला गया, पोल कंटूर के बाहर चला गया। अभी ध्यान दो, ये जो जी ऑफ जेड था, या चलो इसको बोल देता हूं, ये जो g ऑफ z है मेरा, ये कौन सी पॉइंट पे अनडिफाइंड है, कौन सी पॉइंट पे अनडिफाइंड है, 4/5 पे, 4/5 पे। लेकिन लेकिन अगर पिछले वाले क्वेश्चन में जाओगे, पिछले वाले क्वेश्चन में जाओगे, जो मेरा रीजन ऑफ इंटरेस्ट था, जो कि कंटूर था, जो कि सर्कल था जिसका रेडियस 1 था, ओरिजिन उसका क्या था सेंटर था, उस केस में अगर जाओगे तो g ऑफ z क्या था, इस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं था, g ऑफ z इस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं था। फिर से सुनो, g ऑफ z इस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं था जो कि मेरे कंटूर के अंदर पॉइंट थी। लेकिन अगर इस कंटूर की बात करो, लेकिन अगर इस कंटूर की तुम बात करोगे, अगर इस कंटूर की तुम बात करो तो इस कंटूर की बाउंड्री पे और इस कंटूर के अंदर g ऑफ z एनालिटिक है इस केस में। पिछले वाले केस में g ऑफ z एनालिटिक नहीं था, कौन सी पॉइंट पे, 4/5 पे, और ये पॉइंट कंटूर के अंदर थी, ये पॉइंट कंटूर के अंदर थी। अभी देखो ये सेम, ये मैंने कंटूर के कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर दिए, स्पेसिफिकेशन चेंज कर दिए, तो फायदा क्या हुआ, जो पॉइंट थी जहां पे ये g ऑफ z क्या था एनालिटिक नहीं था, डिफाइंड नहीं था, अनडिफाइंड था, वो पॉइंट इस कंटूर में है ही नहीं। इसका मतलब अगर इस कंटूर के रिस्पेक्ट में मैं देखूं तो अभी g ऑफ z क्या है एनालिटिक है, कहां पे, बाउंड्री पे भी और अंदर भी, बाउंड्री पे भी अंदर भी, क्योंकि जो इस फंक्शन को जी ऑफ जेड को एनालिटिक नहीं बना रहा था पॉइंट, वो हमारे इंटरेस्ट से अभी बाहर चला गया है, हमारे इंटरेस्ट से बाहर चला गया है। इसका मतलब इस केस में जो मेरा जी ऑफ जेड है वो क्या है, अलोंग द कंटूर एंड इनसाइड द कंटूर क्या है, एनालिटिक है। कॉची इंटीग्रल थ्योरम हमें क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है g ऑफ z और वो क्या है एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन द कंटूर c, तो इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या आता था, जीरो आता था, क्या आता था, जीरो आता था, क्लियर। और सिमिलर वे में अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, सिमिलर वे में अगर इस क्वेश्चन की बात करें, ये हमारा g ऑफ z था, इसके लिए सिंगुलर पॉइंट क्या था 4/5, लेकिन अभी जो हमारा क्या बना, क्लोज्ड कर्व बना, उसमें ये पॉइंट नहीं आ रहा है। मतलब जो अभी क्लोज्ड कर्व बना है, जो अभी कंटूर बना है, उसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो g ऑफ z
सारे बाउंड्री वाले पॉइंट्स और जो अंदर पॉइंट्स है वहां पे एनालिटिक है। इसका मतलब ये जिसको मैंने यहां पे सर्कल किया है उसका रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा, या सिंपली बोल सकते हो इसका रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा। इसका रिजल्ट इंटीग्रेशन का जीरो इसलिए होगा क्योंकि यहां पे जो जी ऑफ जेड है वो क्या है, जो गिवन कंटूर है उसकी बाउंड्री पे और उसके अंदर क्या है, एनालिटिक है। क्या है, एनालिटिक है। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पे ये एनालिटिक नहीं था, जिस पॉइंट पे ये अनडिफाइंड था, वो भी मेरे रीजन ऑफ इंटरेस्ट से बाहर चला गया। जो मेरे इंटरेस्ट का रीजन था, जो मेरे इंटरेस्ट का कंटूर था, उसमें से ये जो सिंगुलर पॉइंट था वो बाहर जा चुका है। इसका मतलब क्या है, जो भी कंटूर मेरे पास अवेलेबल है उसकी बाउंड्री पे और उसके अंदर जी ऑफ जेड मेरा एनालिटिक है। तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम आपको क्या बोलता है, अगर एक जी ऑफ जेड फंक्शन है वो कंटूर की बाउंड्री पे और अंदर सारी पॉइंट्स पे एनालिटिक है, तो इसका इंटीग्रेशन अलोंग दैट कंटूर क्या होगा, जीरो होगा। तो इस केस में आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है जो आपको समझनी पड़ेगी। हां बिल्कुल, तो समझ में आ गया, तो समझ में आ गया। जीरो ऐसे ही नहीं आता मनमानी से, जीरो ऐसे ही नहीं आता मनमानी से। जीरो कैसे आता है, जीरो कैसे आता है, क्योंकि अगर ये जो पॉइंट है सिंगुलर वो बाहर चला गया, सर्कल के जो कंटूर है उसके बाहर चला गया, इसका मतलब जो फंक्शन है जी ऑफ जेड वो क्या है, इस कंटूर की बाउंड्री पे और कंटूर के अंदर क्या है, एनालिटिक है। क्या है, एनालिटिक है। तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम हमें क्या बोलता है, अगर आपका जी ऑफ जेड इस कंटूर की बाउंड्री पे और अंदर वाली सारी पॉइंट्स पे एनालिटिक है, तो इस इंटीग्रेशन का सिंपली रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा। और यहां पे ऐसा ही हो रहा था, जो हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें जी ऑफ जेड क्या था, एनालिटिक था, तो इसलिए इस इंटीग्रल का आंसर क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आया, अभी समझ में आया। देखो ऐसे ही फर्जी बातें नहीं करनी है कि बस पॉइंट अगर बाहर है तो जीरो, जीरो क्यों, वो हमें समझना पड़ेगा। वो कॉची इंटीग्रल थ्योरम हमें समझा रहा है, वो कॉची इंटीग्रल थ्योरम हमें समझा रहा है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गई सारी बातें। चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूं, लास्ट एग्जांपल आज का, एक और एग्जांपल, उसका आंसर आप लोग देंगे मुझे, उसका आंसर आप लोग देंगे। अभी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। अगर ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं जहां पे पोल क्या है, जिसका ऑर्डर क्या है, एक तो डिनोमिनेटर में एक ही पोल है और उसका ऑर्डर है वन, उसका ऑर्डर है वन, तो यहां पे आप कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पोल का ऑर्डर एक से ज्यादा है, पोल का ऑर्डर अगर एक से ज्यादा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप किससे सोल्व करोगे इस टाइप के प्रॉब्लम्स को, कॉची रेजिड्यू थ्योरम से। किससे सोल्व करोगे, कॉची रेजिड्यू थ्योरम से। और कॉची रेजिड्यू थ्योरम आपको 250 डेज प्लान में मेरा वीडियो लेक्चर फॉलो करना है। तो चलो एक आज का एक लास्ट एग्जांपल कर देते हैं। इस इंटीग्रल यहां पे एग्जांपल थ्री, यहां पे एग्जांपल थ्री, और वहां पे जाना कॉची इंटीग्रल, जो हमारा 250 डेज प्लान में मैंने मेरा लेक्चर है वहां पे मैंने कॉची इंटीग्रल, कॉची रेजिड्यू थ्योरम पढ़ाया है। कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला हमने आज पढ़ लिया, हमने वहां डिस्कस किया था कॉची रेजिड्यू थ्योरम 250 डेज प्लान में, उसको समझना। फिर से मैं बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला, अगर आपके पास इस टाइप के फंक्शंस का इंटीग्रेशन निकालना है जहां पे डिनोमिनेटर में सिंपल एक ही पोल है और उसका ऑर्डर एक है, तो आप सिंपली ये वाला मेथड लगाओ। या ज्यादा से ज्यादा क्या, अगर आपके डिनोमिनेटर में दो पोल से दोनों का ऑर्डर वन है, तो आप ये वाला मेथड लगाओ, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला वाला। लेकिन अगर ऑर्डर एक से ज्यादा है, भले ही वो सिंगल पोल हो या दो पोल हो, उनका ऑर्डर एक से ज्यादा है, दो तीन चार, तो आप कॉची रेजिड्यू थ्योरम पे ही जाना, उसमें टाइम की आपकी बचत होगी, उसमें टाइम की बचत होगी। तो वहां पे मैंने सब बताया है, रेजिड्यू कैसे निकालते हैं, फिर कॉची रेजिड्यू थ्योरम कैसे होता है, रेजिड्यू की हेल्प से ये हम इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन का जल्दी मुझे फटाफट रिजल्ट बता दो। अगर आप जो 250 डेज प्लान देखोगे तो वहां पे टफ एग्जांपल बहुत लिया है, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जेड माइनस टू डी जेड, डी जेड अलोंग दी कंटूर, और कंटूर यहां पे दिया गया है, कंटूर देखो क्या दिया गया है, जेड इज इक्वल टू थ्री, जेड इज इक्वल टू थ्री, और बोला गया है डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज लेना है कंटूर का। डायरेक्शन कंटूर का क्या लेना है, काउंटर क्लॉकवाइज, क्या लेना है, काउंटर क्लॉकवाइज। जल्दी फटाफट इसका आंसर बता दो मुझे,
फटाफट इसका आंसर बता दो, इसका आंसर फटाफट बता दो मुझे, तो फिर हम आज के सेशन को कंक्लूड करें। तो मैंने फिर से क्या बोला, अगर यहां पे इस टाइप के फंक्शंस हैं जहां पे जी ऑफ जेड में जो ये पोल नीचे दिख रहा है वो सिंपल एक ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर पोल है, तो आप इस फॉर्मूला से जाओ, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से। अगर पोल का ऑर्डर एक से ज्यादा है, दो तीन चार, तो आप कॉची रेजिड्यू कहां से जाना, थ्योरम से जाना, ठीक है। और एक्चुअली ये सब चीजें उस पर भी डिपेंड करती है कि जो एफ ऑफ जेड है वो किस टाइप का बन रहा है, एफ ऑफ जेड किस टाइप का बन रहा है। अगर एफ ऑफ जेड बहुत ही सिंपल है तो आप कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जहां पे पोल क्या होगा, पोल का ऑर्डर एक से ज्यादा होगा, जहां पोल का ऑर्डर एक से ज्यादा होगा। वो सब चीजों का आइडिया आपको कहां से आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब प्रैक्टिस करोगे, खुद को एनालिसिस करोगे कि कौन से मेथड में कम टाइम लग रहा है, कौन से मेथड में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ही आप कंक्लूड कर पाओगे कि मुझे कौन से मेथड से जाना है। ओके, फटाफट इसका आंसर दे दो, जीरो, इसका आंसर जीरो, इसका आंसर जीरो तो नहीं होगा, जीरो जीरो जीरो, इसका आंसर जीरो जीरो जीरो, इतनी मिस्टेक्स, जीरो जीरो जीरो। चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जेड माइनस टू है, ये मेरा क्या है, जेड माइनस टू। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, जो हमारा कंटूर दिया गया है उसको ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। कंटूर क्या दिया गया है, मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू थ्री, मतलब ये क्या होगा, सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन, और रेडियस क्या होगा, थ्री होगा, रेडियस क्या होगा, थ्री होगा, क्लियर। ये पॉइंट जो हमारा पोल है ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जेड का कोएफिशिएंट वन है, तो पहले सर्कल, तो यहां पे ये वाला पॉइंट होगा थ्री, ये पॉइंट होगा माइनस थ्री, ये वाला पॉइंट होगा थ्री आई, ये वाला पॉइंट होगा माइनस थ्री आई, माइनस थ्री आई। अभी मुझे बताओ यहां पे पोल कहां पे, टू पे, टू क्या कंटूर के, और डायरेक्शन क्या दिया है कंटूर का, काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। ये जेड इज इक्वल टू टू वाला पॉइंट क्या कंटूर के अंदर आ रहा है, जेड इज इक्वल टू टू वाला पॉइंट क्या कंटूर के अंदर आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, देखो यहां पे आएगा। पोल को हम दिखाते हैं क्रॉस से, तो ये एक पोल है, सिंगुलर पॉइंट है, तो ये वाला पोल कंटूर के अंदर है, इसका मतलब इसका हमें क्या लगाना पड़ेगा, कॉची इंटीग्रल थ्योरम। जब पोल अंदर हो कंटूर के तो आंसर जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, लेकिन अगर पोल कंटूर से बाहर हो तो 100% आंसर क्या होगा, जीरो होगा। क्या है यहां पे देखो, जेड नॉट मेरा क्या होगा, टू होगा, एफ ऑफ जेड मेरा क्या होगा, ये जो जेड माइनस टू को छोड़ के जो बाकी का फंक्शन बचा, बाकी के टर्म्स बचे, वो क्या होंगे, एफ ऑफ जेड क्या होंगे, एफ ऑफ जेड, जेड जेड स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस थ्री, प्लस थ्री। तो एफ ऑफ टू क्या होगा मेरा, एफ ऑफ टू होगा, एफ ऑफ जेड नॉट में निकाल रहा हूं, जेड नॉट है मेरा टू, तो जेड की जगह पे क्या रख दो, टू रख दो, फोर माइनस फोर प्लस थ्री इज इक्वल टू क्या हुआ, थ्री इज इक्वल टू थ्री। तो सिंपली इस इंटीग्रेशन का अगर रिजल्ट लिखोगे तो वो क्या होगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस थ्री डिवाइड बाय जेड माइनस टू इंटू डी जेड, इसका आंसर क्या होगा, टू पाई आई इंटू एफ ऑफ into f of 2, और f of 2 मेरा क्या आया, 3 आया, क्या आया, 3 आया, तो ये आंसर क्या होगा, 6 pi i, आंसर क्या होगा, 6 pi i, ये करेक्ट आंसर है। आप लोगों का 0 कैसे आ रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा। रेडियस रूट 3 होगा, अरे बाप रे, फंस गए तुम लोग, तो 6 पाई आई होगा इसका आंसर, वेरी गुड, 6 पाई आई होगा। रेडियस रूट थ्री कैसे होगा, तुम कहां, कौन सी दुनिया में हो तुम, मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू थ्री है, तो इसमें क्या होगा, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू थ्री, तो बताओ इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 9 होगा, जो कि आर स्क्वायर के बराबर होता है, तो रेडियस यहां पे 3 होगा, रेडियस यहां पे 3 होगा, और इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा, क्या होगा, ओरिजिन होगा, तो 6 पाई आई करेक्ट आंसर है। रेडियस 9 होगा, 3 कहां से होगा, ये 3 पता नहीं कौन लिख रहा है इसका रेडियस, रेडियस 9 होगा, रेडियस 9 होगा बच्चा, रेडियस 3 नहीं होगा, रेडियस 9 होगा, फिर से देखो, फिर से देखो, रेडियस 9 होगा। तो हमें जितना पढ़ना था कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला में, कॉची इंटीग्रल थ्योरम, वो मैंने आपको सिखा दिया। अभी आप क्या पढ़ेंगे, आप 250 डेज प्लान में कॉची इंटीग्रल, कॉची रेजिड्यू थ्योरम पढ़ेंगे, कॉची रेजिड्यू थ्योरम।
कॉची रेजिड्यू थ्योरम की हेल्प से सेम टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस अगर जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में पोल्स दिख रहे हैं इनकी ऑर्डर एक से ज्यादा हो 2, 3, 4 तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, थोड़ा प्रॉब्लम लग जाता है इसमें, मतलब थोड़ा टफ लगता है इससे सॉल्व करना, थोड़ा लेंथी हो जाता है। और अगर सेम केस के लिए कॉची रेजिड्यू थ्योरम लगाते हैं तो प्रॉब्लम इजिली सॉल्व हो जाता है। तो आपको 250 डेज प्लान में, जिनको नहीं पता, कल मैंने बोला था देखने के लिए 45 to 50, तो आज मैं कंप्लीट बोल देता हूँ 45 to 51, 45 to 30। ओके ओके, रेडियस 3 है, हाँ। तो एफ ऑफ जेड बेटा यहां पे देखो, एफ ऑफ जेड को देखो मैंने क्या लिखा है, जेड स्क्वायर माइनस 2z+3, डिनोमिनेटर वाले पार्ट से कट करके ही तो लिखा है। एफ ऑफ जेड को मैंने डिनोमिनेटर वाले पार्ट से, डिनोमिनेटर में जो पोल आ रहा है उसको छोड़ के बाकी पूरा एफ ऑफ जेड होगा। इन शॉर्ट तो डिनोमिनेटर में पोल क्या है, जेड माइनस 2, इसको छोड़ के बाकी सब क्या होगा, एफ ऑफ जेड होगा। बाकी क्या बचता है, जेड माइनस 2 को भूल जाओ, बाकी क्या बचा, जेड स्क्वायर माइनस 2z+3, जेड स्क्वायर माइनस 2z+3 को मैंने लिख दिया। रेडियस 3 ही है भाई, रेडियस 3 ही है, कहां है तुम लोग, कहां? ओके ना 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 ना, कौन सी दुनिया में हो तुम? ओके तो यहां पे देखो, यहां पे देखो, कोई ये जो हम रिजल्ट लिख रहे हैं, ये जो रिजल्ट लिख रहे हैं, रिजल्ट यहां पे प्लस आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा किसके लिए, मतलब ये जो फॉर्मूला लिखी थी 2πi(f(2), अगर कंटूर की डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है या पॉजिटिव सेंस है तो उसमें फॉर्मूला रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव। अगर कंटूर की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो यहां पे क्या आ जाता है आगे, माइनस, तो यहां पे कंटूर की डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज है इसलिए यहां पे प्लस आया। अगर कंटूर की डायरेक्शन सेम क्वेश्चन में क्लॉकवाइज होती तो यहां पे आगे माइनस आता। कंटूर की डायरेक्शन अगर काउंटर क्लॉकवाइज है तो प्लस आता है बेटा, नेगेटिव नहीं आता, माइनस तब आता है जब कंटूर की डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज हो। पीछे जाओ, मैंने थ्योरी में पूरा लिखवाया है। ओके 6πi, बिल्कुल आपने सही निकाला है सबने, 6πi, 6πi बिल्कुल सही निकाले हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो आई होप आपको पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा पूरा क्लियर हो गया अभी तक पूरा क्लियर हो गया। पूरा फीडबैक आप देना जो टेलीग्राम ग्रुप है, आज का लेक्चर कैसा लगा आपको, तो जितना बेस्ट पॉसिबल वे था इस शॉर्ट टाइम में जो जी सीवीर का प्लान चल रहा है उसमें मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया कि कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या होता है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। फिर मैंने आपको क्या बोला, 250 डेज प्लान में जाके पढ़ना कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम, सेम प्रॉब्लम्स को कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम से हम सॉल्व कर सकते हैं। जहां पे पोल का ऑर्डर बढ़ता जाता है तो वहां पे ये वाला मेथड लगाना, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला लगाना, थोड़ा क्या हो जाता है, लेंथी हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, लेकिन कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम से थोड़ा सिंप्लिसिटी बढ़ जाती है, थोड़ा टाइम कम लगता है, वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व करना ईजी हो जाता है, तभी हम कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम पढ़ते हैं। ओके काउंटर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सेम है बिल्कुल, या तो बोलेगा पॉजिटिव सेंस, या तो क्या बोलेगा, पॉजिटिव सेंस। तो चलिए आज हम अपने लेक्चर को इतना ही रखते हैं, फीडबैक आप शेयर करते रहिए टेलीग्राम ग्रुप में, और 250 डेज प्लान में आपको ये लेक्चर देखने हैं 45 to 51। इसका जो असाइनमेंट होगा, मैं आपको 15 प्रॉब्लम दूंगा इस असाइनमेंट में, क्योंकि गेट से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स यहाँ पे आते हैं, लेकिन असाइनमेंट सॉल्व करने से पहले आप रेजिड्यू कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम वाला लेक्चर पक्का देख लेना, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं अगर आप कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम से सॉल्व करोगे तो कुछ प्रॉब्लम जहां पे पोल का ऑर्डर बहुत 2 होगा 3 होगा या 4 होगा वहां पे ईजी हो जाएगा। तो पहले वो 50 मिनट का लेक्चर है वो पूरा देखना, उसके बाद असाइनमेंट सॉल्व करना। असाइनमेंट आपको कल नून में मिल जाएगा, तो असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 दिन रहेंगे, कल का पूरा दिन, परसों का पूरा दिन, 2 दिन आपके पास है। आप 250 डेज के वीडियोस भी देख सकते हो। फिर परसों से, मतलब आज 10 से तो 12 तारीख से हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। तो मिलिए, चलिए मिलते हैं परसों 12 तारीख को शाम को 7 बजे। थैंक यू।